सकते हैं मेरे पास एक बाल्टी पड़ी थी वेस्ट जिसको मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। पानी लगाना सीखेंगे सीताफल का बेल, तो बेल कैसे लगाते हैं सीताफल के जिसको हम पेठा भी बोलते हैं। मैं जस्ट मिट्टी को खाली ऐसे हिला लूँगा, आप देख सकते हैं पे खाद मिक्स की हुई है, गोबर खाद है जो आजकल वेस्ट कचरा निकाल दें वो भी हो। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने बेटा घर इधर लाया था, ये उसकी वेस्ट है देखेंगे। देखिए आप इसके अंदर ये बीज हैं सीड्स, ये सीड्स हैं इसके। मैं इनको यहाँ से ऐसे तोड़ दूंगा जिससे कि बीज बाहर आ जाए। ऐसे दबा दबा कर निकाल लेंगे। मैं एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ नहीं है इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, पर आप जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ ना करते हुए वैसे ही हो गया है, और इसकी मोटी मोटी वेस्ट बाहर निकाल दें। इसको बाहर निकाल देंगे आप, जितना हो सके उतना निकाल देंगे आप। और इस वेस्ट को फैलने की भी जरूरत नहीं है, आप किसी और बाउल में इकट्ठा कर लें, यही हमारा कंपोस्ट का काम करेगा आगे। आपने देखा है कि मैं ये निकाल रहा हूँ, फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले तो आप बिना देर गए मुझे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने इस वीडियो के अंदर आपको यहाँ पर घर पे ही वेस्ट सामान से, मैं बाहर से कोई भी सीड खरीद के नहीं लाता, जो भी करता हूँ घर से ही करता हूँ और सक्सेस भी होता हूँ। तो आप जिनका घर फर्स्ट फ्लोर पर है और वो गार्डनिंग का शौक़ है तो अपने वो घर के अंदर ऐसे छोटे छोटे कंटेनरों में सब्जी लगा सकते हैं, करेले जैसी बेलें लगती हैं करेले की भी वो भी लगा सकते हैं आप, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। एक मैंने लगाई थी मगर वो मेरा डॉग है जो मैंने पाला भी वो खा गया उसको, उसने तोड़ दिया सब कुछ, तो मैं उसका सेकेंड वीडियो नहीं बना सका, तो मैं दोबारा से लगाऊँगा तब मैं आपको दिखाऊंगा वो भी। आपने इसके ऊपर जो मोटा मोटा सा लगा हुआ है ना ये जो होता है गुद्दा इसका वो हटा दें जिससे कि इसको उगने में आसानी होगी, तो जल्दी से ये ग्रोथ करेगा, जर्मिनेशन इसकी जल्दी हो जाएगी। तो वो जो इसके पल्प का होता है थोड़ा दिक्कत करता है किसी भी सीड का हो, तो ये बात आपने विशेष ध्यान देनी है। तो मुझे शेयर भी जरूर करें, लाइक भी करें जिससे कि और लोगों को भी फायदा हो सके। बहुत ही सिंपल ट्रिक है ये,
मैं बाहर से अभी तक कोई भी शेड नहीं खरीद कर लाया आज तक, कभी भी किसी भी चीज़ का। मैं जो भी करता हूँ घर से ही करता हूँ, क्योंकि आपको मैं पहले बता दूँ, कोई भी फल हो कोई भी सब्जी हो उसका बीज उसके बीच में ही होता है, कोई अलग से नहीं कहीं से आता वो। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादातर व्यूवर्स मेरे बोलते हैं कि हमें सीड्स मिलते नहीं हैं, कोई ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ सीड मिलने मुश्किल होते हैं, अगर मिलते हैं तो वो क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो वहाँ भी प्रॉब्लम आती है। तो आपने इस बातों का ध्यान रखना है और आप मेरे साथ बने रहिए, और मैं आपको अपने घर के अंदर ही घर को हरा भरा करके गार्डनिंग करने सिखाऊंगा। अब ठीक है, हमारा ये हो चुका है तैयार, अब मैं सारे सीड इसी में फेंकने वाला हूँ। आप देख सकते हैं सारे सीड इसी के अंदर ही डाल दूँगा, क्योंकि मुझे और कंटेनर में नहीं लगाना है। तो मैं यहाँ फ्रेंड्स को एक बात और बताना चाहूँगा कि जब आप अपने घर में सीड से लगाते हैं ये सब चीज़ करते हैं, तो आपको जितने भी बीज हैं, जैसे आप टमाटर के बीज हैं, टमाटर होता है, बैंगन के होते हैं, तो आपको जितने बीज निकलते हैं वो सारे सारे डाल दीजिए, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं जिनमें से बहुत कम सीड्स ग्रो करते हैं, बाकी ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो हमें जितने भी सीड हो ज़्यादा से ज़्यादा वो सारे उसमें डाल देने चाहिए, इसमें से कुछ ना कुछ ये ग्रोथ कर लेते हैं, उसका कुछ जर्मिनेशन उनकी शुरू हो जाती है कुछ की बीच में से, फिर आप उनको अच्छे से केयर कर सकते हैं, क्योंकि ये गीले भी हैं, मैंने सुखा भी नहीं रखे, ठीक है ना। तो आपने इस प्रकार सारे के सारे सीड इसमें डाल देने हैं। फिनिश हो गया ये, अब आपने इसके बाद क्या करना है, इसको फिर दोबारा से मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, देख लीजिए आप, मैंने सीडों को थोड़ा थोड़ा इसके मिक्स करके नीचे कर दिया, ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया, आप देख सकते हो। अब मैं इसके अंदर थोड़ा पानी डालूँगा, तब तक के लिए मैं इसको पोर करता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं ये मटर ले आऊँगा मध्य में, ज़्यादा नहीं चाहिए, में थोड़ा सा ही चाहिए। तो आपने करना क्या है, आपने हल्के इस हाथ से पानी लेकर ऐसे ऐसे से छिड़कना है इसके ऊपर, जिससे कि सीड के जो सीड है हमारे वो कोई नुकसान ना पहुँचे, ज़्यादा पानी भरने से गड़बड़ हो जाती है, रह जाते हैं मिट्टी में। आपने देखा ही होगा जैसे हम अपने घरों के अंदर दुशहरे के घरों में जोन वगैरह लगाते हैं, तो आप किसी भी सीड की उसी टाइप से जर्मिनेशन कर सकते हैं, उसके लिए मिट्टी का होना बहुत कोई ज़रूरी नहीं है, बालू रेत भी हो सकती है या फिर गोबर खाद भी हो सकती है प्योर, उसके अंदर मिट्टी डालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर आप इसको पानी में भी डालकर जर्मिनेशन कर सकते हैं। मैं पानी वाली ट्रिक भी आपको कभी दिखाऊंगा, अभी फिलहाल हमने इसके अंदर ये डाल दिया है, वीडियो दिखाऊंगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तब तक के लिए बाय दोस्तों।